हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, जी हाँ, अब से आईपीओ का सीजन शुरू हो चुका है और इस सीजन का पहला आईपीओ रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए तैयार हो चुका है और स्पेशली रक्षाबंधन के दिन आपके लिए ये वीडियो डाल दिए गए। और आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई हो। और आज के इस आईपीओ के वीडियो में हम कंपनी की बेसिक डिटेल, उसकी इंट्रोडक्शन से लेके उसके पॉजिटिव नेगेटिव, जहाँ तक उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आईपीओ का टाइम टेबल और एट लास्ट में मेरा उसमें क्या रहने वाला है ओपिनियन, उसे भी हम साथ के साथ डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं हम अपना आईपीओ का लव ट्राइंगल और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सिरमा एक्सजीएस कंपनी का आ रहा है आईपीओ और ये कंपनी बेस्ड है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन कंपनी पर। और इस रेट का जो मेन काम होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में, यानी कि ईएमएस में। अगर हम कंपनी की बात करें, ये कंपनी इंटीग्रेटेड सर्विसेज और सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स को, जहाँ से ये अपना इनिशियल प्रोडक्ट कंसेप्ट स्टेज को वॉल्यूम प्रोडक्शन तक लेके जाती है। और अगर हम कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो कंपनी प्रोडक्ट्स में क्या क्या बनाती है, वो बनाती है प्रिंटर, सर्किट बोर्ड, असेंबली और इसी के साथ रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रोडक्ट्स, और साथ ही साथ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैकेनिकल पार्ट्स और मदरबोर्ड्स हो गए, या फिर मेमोरी प्रोडक्ट्स हो गए, जैसे कि डीआरएमए मॉड्यूल्स वगैरह एटसेट्रा, यूएसबी ड्राइव्स वगैरह। अब अगर हम कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं तो कंपनी के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है टोटल, और जो कि नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया दोनों में अवेलेबल है। अब अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करें तो कंपनी के पास 11 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं जो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में है। अगर हम नॉर्थ इंडिया में बात करें, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में भी है, और साथ ही साउथ इंडिया में तमिलनाडु और कर्नाटका में भी। जो इनकी तमिलनाडु की लोकेशन है ना, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आती है, और इसी के साथ साथ जो हरियाणा की है वो इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्कीम के अंदर है, जिसकी वजह से इनको काफी ज्यादा टैक्स वगैरह में बेनिफिट्स वगैरह मिल जाते हैं, और यही कंपनी का एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है जहां पर उन्हें टैक्स वगैरह से भी बचत हो जाती है। अब अगर हम कंपनी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज की बात करते हैं तो कंपनी के पास 3 फैसिलिटी या 3 यूनिट है जो अवेलेबल है, पहली चेन्नई में, दूसरी गुड़गांव में और तीसरी जर्मनी में। अब इसके साथ अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल की ओर देखते हैं तो सबसे पहले तो टोटल सेट की अगर हम बात करते हैं तो 31 मार्च 2019 में 286 करोड़, 31 मार्च 2020 में 346 करोड़ और 31 मार्च 2021 में 460 करोड़। मतलब कि हमें अच्छी ग्रोइंग रेट जहां पर देखने को मिल रही है, और इसी के साथ अगर हम टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं तो वहां पर भी हमें ग्रोइंग रेट ही देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2019 में 357 करोड़, 31 मार्च 2020 में 404 करोड़ और 31 मार्च 2021 में 444 करोड़, जहां पर भी एक अच्छी ग्रोइंग रेट हमें देखने को मिल रही है। अगर हम पीएटी मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो 31 मार्च 2019 में 21 करोड़, 31 मार्च 2020 में 44 करोड़ और 31 मार्च 2021 में 28 करोड़, जहां पर हमें हल्का सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर के रिजल्ट में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिला है काफी ज्यादा, जो एक हमारे लिए नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। अब अगर हम कंपनी की ऑब्जेक्टिव इश्यू की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इनको कैपिटल एक्सपेंडिचर रिक्वायरमेंट की जरूरत है अपनी आरडी फैसिलिटी के लिए, और इसी के साथ साथ इन्हें एक्सपेंशन करना है कुछ अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का, और दूसरा इनको लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, और तीसरा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। अब अगर हम कंपनी का टाइम टेबल की बात करते हैं तो कंपनी का आईपीओ ओपन होगा 12 अगस्त को, क्लोज होगा 18 अगस्त को, 6 दिन मतलब छुट्टियां, इसकी वजह से थोड़ा ज्यादा टाइम हो गया, वरना इतना टाइम नहीं होता यूजली। अलॉटमेंट स्टार्ट होगी 23 अगस्त को, रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे 24 अगस्त से, 25 अगस्त को आपके अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे, और 26 अगस्त रहने वाली टेंटेटिव डेट लिस्टिंग की। अब अगर हम इसके लोट साइज की बात करते हैं तो 68 शेयर का एक लोट रहने वाला है, जिसकी अमाउंट पड़ने वाले 14,960 की, और ए रिटेल कैटेगरी में एक लोट से ज्यादा अप्लाई करने का बिल्कुल भी फायदा नहीं है, तो रिटेल कैटेगरी में एक लोट से ज्यादा अप्लाई मत कीजिएगा एक पैन कार्ड से। और अगर हम कंपनी की और डिटेल्स की बात करते हैं तो 10 रुपीज पर शेयर का फेस वैल्यू रहने वाला है, 209 से 220 रुपीज का बैंडविड्थ होने वाला है, और हमें तो अप्लाई करना है 220 रुपीज मतलब कट ऑफ प्राइस। 68 शेयर्स का एक लोट रहने वाला है, 840 करोड़ का टोटल साइज होने वाला है, जिसमें से 766 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 10 करोड़ का
OFS होगा और लिस्टिंग दोनों में होगी BSE और NSE पे, जिसमें से क्वालिफाइड इंस्टीट्यूट का 50% शेयर, रिटेल कैटेगरी का 35% और HNI का 15%। और अगर हम कंपनी के प्रमोटर की बात करते हैं तो संदीप टंडन, जसवीर सिंह गुजराल और बीना टंडन और इसी के साथ साथ टेलीकॉम इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के प्रमोटर्स रहने वाले हैं। अगर हम 31 दिसंबर 2021 तक बात करते हैं तो इनके पास 58.78% टोटल इक्विटी शेयर का पार्ट अवेलेबल है। अब अगर हम कंपनी की कुछ और डिटेल्स की बात करते हैं जैसे वैल्यूएशन वगैरह की, तो ईपीएस निकल जाता है पिछले 3 सालों का 5.18, रिटर्न ऑन नेटवर्थ है इसकी 14.85 की और पीई रेशियो की बात करें कि इस वैल्यूएशन पर ये कंपनी आ रही है 50.69। हमें थोड़ा ज्यादा लग रहा है वैल्यूएशन देखकर, ये कंपनी ना तो अपना आईपीओ सस्ता ला रही है ना ही महंगा ला रही है। ओके वैल्यूएशन पर आईपीओ आ रहा है, बट अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में जाकर देखें तो डिक्सन जिसका पीई रेशियो चल रहा है 131 का और इसी के साथ एम्बर एंटरप्राइजेस जिसका पीई रेशियो चल रहा है 157 का, अगर हम पीयर टू पीयर कंपैरिजन में देखें तो ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी काफी सस्ता अपना आईपीओ लेके आ रही है। अब हमने कंपनी के बारे में हर डिटेल जाना, एक दो पॉइंट्स और इसके। एक तो ना, ये कंपनी जब इसने पहले अपना डीआरएचपी वगैरह अप्लाई किया था ना तो ये 290 के प्राइस पर आ रही थी, लेकिन अब इन्होंने अपना जो प्राइस था वो काफी ज्यादा सस्ता कर दिया है 220 का, जो ऐसा बहुत रेयरली सिचुएशन में होता है। मतलब कि कंपनी को लगा कि महंगा है तो चलो सस्ता ले आते हैं, जो भी हो खैर हमें तो सस्ता मिल रहा है। और इसी के साथ अगर हम पीयर टू पीयर में भी जाकर देखते हैं, वैल्यूएशन वाइज थोड़ा हल्का सा ठीक ठाक है, बट पीयर टू पीयर में देखें तो कंपनी अपना प्राइस जो बिल्कुल ही रीजनेबल लग रहा है। और इसी के साथ अगर हम लिस्टिंग की बात करते हैं, जो हमारी एक्सपेक्टेशन है वो अभी तक बनी हुई है 5 से 15%, बट मेन पता लगेगा हमें कैसे HNI कैटेगरी इसमें अप्लाई करती है, क्योंकि HNI के रूल चेंज होने की वजह से अब देखना पड़ेगा कि वो इसमें किस तरीके से अप्लाई करते हैं और इस आईपीओ की डिमांड कैसे जाती है। तो इसी वजह से अब इस आईपीओ में जो मेरा फाइनल डिसीजन होगा वो आपको मैं सेकेंड डे या थर्ड डे पर बता दूंगा और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे कही जाए इस आईपीओ सीजन का जो ये पहला आईपीओ आ रहा है वो काफी ठीक ठाक है, इतना अच्छा भी नहीं है और इतना बुरा भी नहीं है। मतलब कि अगर हम डिफेंसिव होके भी सोचे तब भी ये अच्छा आईपीओ लग रहा है, लेकिन HNI का रिस्पॉन्स देने के बाद ही हम इसमें अपना फाइनल डिसीजन बनाएंगे। और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इसे लाइक कर दे जल्दी से जल्दी, और आईपीओ तो बहुत सारे आने वाले हैं तो तैयार हो जाओ आईपीओ अप्लाई करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।